इस कार्यक्रम के आयोजक हैं आरिका चातुर्मास व्यवस्था समिति गुवाहाटी असम। इस कार्यक्रम के निवेदक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं परम पूज्या संस्कार दर्शिका आरिका शिरोमणि गुरुमा 105 विंध्यश्री माताजी ससंग 6 पिच्छी के भव्य संयम उपकरण पिच्छिका परिवर्तन समारोह की मंगलमय झलकिया। परम पूज्य राष्ट्र संत गढ़ाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीष से पूर्वांचल की धरा असम के गुवाहाटी स्थित महावीर धर्मस्थल में 27 नवंबर 2022 को सानंद संपन्न हुए इस भव्य समारोह में सहभागी बन भक्तों ने अपने पुण्य को जागृत किया। तो आइए दर्शकों, हम भी दर्शन लाभ लेते हैं गुवाहाटी की आरिका चातुर्मास व्यवस्था समिति के तत्वावधान में आयोजित हुए इस समारोह के मनोरम दृश्यों का। असम प्रांत की धर्मनगरी गुवाहाटी स्थित महावीर धर्मस्थल में परम पूज्य संस्कार दर्शिका आरिका शिरोमणि गुरुमा 105 विंध्यश्री माताजी ससंग 6 पिच्छिका भव्य संयम उपकरण पिच्छिका परिवर्तन समारोह आयोजित किया गया। परम पूज्य राष्ट्र संत गढ़ाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीष से 27 नवंबर 2022 को आयोजित हुए इस भव्य समारोह में सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुमा का महावीर धर्मस्थल से श्री दिगंबर जैन मंदिर जी की ओर पदार्पण हुआ। अगले क्रम में मंदिर जी पहुँच गुरु माँ ने संघ सहित प्रभु को नमन वंदन कर वेदी की प्रदक्षिणा की। इसके पश्चात पूज्य गुरु माँ के सानिध्य में भक्तों ने एक भव्य जुलूस के रूप में कार्यक्रम स्थल की ओर प्रस्थान किया। बैंड बाजों के साथ निकाली गई इस भव्य पिच्छिका जुलूस की शोभा दर्शनीय रही। मयूर नृत्य करते कलाकार हाथों में धर्म ध्वजा लिए जय घोष करते श्रद्धालु जनों का उत्साह देखने योग्य था। शोभायात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के बाद श्रेष्ठियों ने परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के चित्र को अनावृत कर मंगल दीप प्रज्वलित किया। इस बीच मंगलाचरण के अंतर्गत श्राविका द्वारा भक्ति नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। नमो आयरियाणम नमो
इसके उपरांत आयोजन समिति की ओर से पूज्य गुरु माँ के चातुर्मास की व्यवस्था में सहयोग करने वाले श्रेष्ठ जनों एवं अतिथियों को माला एवं धर्म पट्टुका पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया गया। इसी क्रम में ही गणमान्य जनों ने उद्बोधन के माध्यम से अपने भावों को सभी के समक्ष प्रकट किया। हमारा सौभाग्य है पूर्वोत्तर भारत की गेटवे गुवाहाटी में हमें समस्त पूर्वोत्तर की जैन समाज डिमापुर रंगिया नलवाड़ी बरपेटा विजयनगर की समाज से माता जी के पिछी प्रवर्तन समारोह में साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं समेत शिखर जी के अंदर में जो स्वास्थ्य निर्वाण भूमि है जहाँ से इस उन्नाव श्रेणी काल के 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया है और जहाँ अनंत चौबीसी निर्वाण प्राप्त कर चुकी है उस स्थान पर होने वाले 5 फरवरी से 10 फरवरी तक जो अद्वितीय इस सदी का महानतम पंचकल्याणक होने जा रहा है अंतर्मना महोदधि प्रसन्न सागर जी महाराज के सानिध्य में आशीर्वाद से यह पंचकल्याणक होने जा रहा है। मैं कहूँगा पूर्वोत्तर ही नहीं भारत का यदि कोई नाक और सिर और यदि जिस पर हमें नाज है वो पूर्वोत्तर है और पूर्वोत्तर की पूरी राजधानी गुवाहाटी है और गुवाहाटी समाज में जो एकता है जो आज यहाँ पर हमें सारे समाज के श्रावक श्राविका देखने मिल रहे हैं ऐसा भारत में अद्वितीय है। इसके उपरांत समारोह में आया समय गुरु पूजन का। पुण्यशाली भक्तों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गुरु चरणों में अष्ट द्रव्यों के अर्घ्य समर्पित कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। Thank you.
पूजन के पश्चात कार्यक्रम में पधारी परम पूज्य आरिका रत्न 105 विंध्याश्री माताजी के गृहस्थ जीवन की मां श्रीमती पार्वती देवी जी का अभिनंदन कर श्री दिगंबर जैन पंचायत ने स्वयं को गौरवान्वित किया। तो वहीं विंध्याश्री भक्त परिवार द्वारा पूजा गुरु मां द्वारा रचित श्रुत आराधना की विभिन्न रचनाओं का विमोचन किया। कार्यक्रम के मध्य श्राविकाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए सामूहिक भक्ति नृत्य ने समारोह को और भी शोभायमान बनाया। नृत्य संगीत के पश्चात पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरु माँ को शास्त्र दान कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। शास्त्रदान के बाद महोत्सव में अब था मंगल प्रवचनों का समय। परम पूज्य गुरु माँ विंध्याश्री माता जी ने अपनी मंगल वाणी से पिच्छिका के गुणों का बखान किया। पहली बात तो चर्चा करेंगे पिच्छी की कि मोर के पंख की पिच्छी ही क्यों लेते हैं। ध्यान रखना, मोर की पंख साधु इसलिए यूज करते हैं, इसलिए उसको हाथों में लेते हैं क्योंकि साधु अहिंसा के पुजारी होते हैं और जो मोर होती है वह भोगी नहीं होती। पहली बात तो मोर जो होती है वह भोगी नहीं होती है। जब वह नाचती है तो उसके कहते हैं एक मोरनी के मोर के आंख का आंसू उस मोरनी के कंठ में चला जाता है, मुख में चला जाता है, वह गर्वित हो जाती है। इसलिए साधु पिच्छी का मोर की पंख की ही पिच्छी यूज करते हैं। दूसरी बात बंधुओं, पिच्छी में 5 गुण होते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं, बस थोड़ा सा सार ही बताऊंगी कि पिच्छी में 5 गुण होते हैं। एक तो पिच्छी धूलि से रहित होती है, कभी भी कितना भी साधु जब बैठते हैं, उठते हैं, परिमार्जन करते हैं, धूल आदि को से साफ हो जाती है, लेकिन उसको झराते हैं तुरंत झर जाती है। पिच्छिका कभी धूलि को ग्रहण नहीं करती है। पिच्छिका कभी पसीने को दूसरा गुण होता है कि वह पसीने को ग्रहण नहीं करती है। और तीसरा गुण होता है उसमें कि वह पिच्छिका मृदु होती है, सुकुमार होती है। और चौथा गुण होता है उसमें कि पिच्छी हल्की होती है। और पांचवा गुण होता है कि वह सुंदर दिखती है। इसलिए बंधुओं, ये 5 गुण, भले ही पिच्छी में 5 गुण हो, लेकिन हे भवात्माओं, लेने वालों के हाथ में कम से कम 105
5 गुण होते हैं जब यह पिछी मिलती है हर किसी को। मंगल प्रवचनों के बाद समारोह में अब आया वह समय जिसकी थी सभी को बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा, अर्थात पूज्या गुरु माँ के पिच्छिका परिवर्तन का। सौभाग्यशाली भक्त परिवारों द्वारा भेंट की गई नवीन पिच्छिका से पूज्या श्रमणी आरिका विद्वत श्री माता जी सहित सभी संघस्थ साध्वियों ने पूज्या गुरु माँ का पिच्छिका परिवर्तन कराया। समापन बेला में पुण्यशाली भक्त परिवार को पूज्य गुरु माँ की पुरानी पिच्छी पाने का सौभाग्य मिला, तो वहीं श्रेष्ठियों द्वारा भेंट की गई नवीन पिच्छियों से पूज्य गुरु माँ ने अपनी संघस्थ साध्वियों का पिच्छी का परिवर्तन कराया। स्वीकारो भक्तों की भक्ति, स्वीकारो भक्तों की भक्ति, पिच्छी अर्पण करते हैं शुचिता साधन रूप कमंडल, शुचिता साधन रूप कमंडल, भक्त समर्पित करते हैं। स्वीकारो भक्तों की भक्ति। दर्शकों, अभी आपने देखे संयम उपकरण पिच्छिका परिवर्तन समारोह के मंगलमय दृश्य। आपको पुनः बता दें कि परम पूज्य राष्ट्र संत गढ़ाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीष से असम प्रांत के धर्मनगरी गुवाहाटी स्थित महावीर धर्म स्थल में 27 नवंबर 2022 को बड़े धूमधाम से आयोजित हुए इस भव्य समारोह में गुवाहाटी के जैन धर्मानुरागियों ने बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ परम पूज्य गुरु माँ 105 विंध्य श्री माता जी ससंग 6 पिच्छी के पिच्छिका परिवर्तन में सहभागिता कर अपने जीवन को कृतार्थ किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर भेंट होगी आपसे ऐसे ही किसी मंगलकारी कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे आरिका चातुर्मास व्यवस्था समिति गुवाहाटी असम। इस कार्यक्रम के निवेदक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम।